सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नया सेलर हो और प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो अमेज़ॉन या दूसरे मार्केट प्लेस पे, तो आपको कैसे आपका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग करना चाहिए। और हर एक मार्केट प्लेस की जो है वो जो शिपिंग कॉस्ट है या रेफरल फीस है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैं अमेज़ॉन को लेके आपको दिखाऊंगा। और स्ट्रक्चर दोस्तों एक ही रहता है, बस यहाँ पे अमाउंट का फ़र्क आ जाता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का मैं सिलेक्ट करूँगा, आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी सिलेक्ट कर ले जिसका रिफिल फी अमेज़ॉन लेता है 16.5 पैसा, तो ये डाल दिया यहाँ पे। फिर आता है दोस्तों फिक्स क्लोजिंग फ़ी। फिक्स क्लोजिंग फ़ी क्या है दोस्तों, एजी शिप में हम बताएंगे। और ये होता है 250 के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका आता है 2 रुपये अमेज़ॉन फिक्स एक प्राइस लेता है। और अगर आपका प्रोडक्ट जो 251 से ज़्यादा है, 500 से कम है, तो अमेज़न 5 रुपये लेता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है 251 से ज़्यादा हो रहेगा हो जाएगा, लेकिन 500 के अंदर रहेगा, तो हम 5 रुपये यहाँ से मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिया। फिर आता है दोस्तों आपका शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट वेट के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम के अंदर है, तो लोकल में जो डिलीवरी होगा उसका 38, रीजनल में जो होगा 46 और नेशनल में 66। तो हम नेशनल को मानते चलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाल दिया। अभी दोस्तों हमने मान लीजिए एक प्रोडक्ट परचेस किया लोकल होलसेल मार्केट से जिसका प्राइस 150 रुपीज़, और ये प्रोडक्ट के ऊपर GST लगा के हमें टोटल कितना होगा ये सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो GST अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोडक्ट परचेस करते वक्त हम जो पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी 18% के साथ हम इसको करेंगे, तो देखिए कितना हो रहा है अमाउंट। ये हो गया 27 प्लस 150, हम करेंगे 177 हमारा टोटल परचेस प्राइस आ रहा है यहाँ पे। फिर ठीक है, ये हो गया टोटल परचेस प्राइस। फिर दोस्तों ये सब जो फिक्स क्लोजिंग फ़ी, रेफरल फ़ी और शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ कैलकुलेट करना होगा जो कि आप प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, जो आपको नीट प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं ये 177 की जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया उसका मैं प्रॉफिट रखना चाहता हूँ 20 रुपीज़। फिर उसके साथ मैं पैकेजिंग लगाऊंगा, उसका 3 रुपये हो गया, टेप लगाया 1 रुपये हो गया, फिर 1 रुपये पेपर के लिए मैं मान लेता हूँ, तो हो गया टोटल ऐसे 25, ठीक है। तो ये 25 मैं लगाऊंगा इसके ऊपर प्रॉफिट, ये मेरा नीट प्रॉफिट के अंदर ये सब इंक्लूड हो जाता है, पैकेजिंग और जो जो अदर्स एक्सपेंस है, ठीक है। तो अभी 25 और 177 को हम एक साथ प्लस कर लेंगे, 177 प्लस 25 202 हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे एक जगह नोट कर लेते 202। अभी 202 के ऊपर ये रेफरल फ़ी जो 16.5% है वो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो 202 16.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 202, 33.33 पैसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसके साथ हम प्लस कर लेते 202 235। दोस्तों ये हम राउंड फिगर इन मान के चलेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा। 235 हो गया, ठीक है। तो 235 जो हो रहा है दोस्तों, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा दोस्तों, ये 16.5 के साथ हम जो अमाउंट बाहर आएगा इससे करके, ये देखिए 202 33 जो आ रहा है इसको हम अलग जगह पे नोट करते हैं 33। फिर फिक्स क्लोजिंग फ़ी हो गया दोस्तों 5 रुपये। फिर आ गया 66 आपका शिपिंग कॉस्ट। तो ये तीनों के ऊपर अमेजोन लेता है GST, रेफरल फ़ी, फिक्स क्लोजिंग फ़ी और नेशनल। तो ये आपको TDS जब क्लेम करोगे ना तो उसमें आपको मिल जाता है। तो ये साथ एक साथ हम कर लेंगे प्लस 5 प्लस 66, तो हो रहा है 104 अमाउंट हो रहा है। तो 104 के ऊपर हम 18% GST कैलकुलेट करेंगे, 104 दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 मल्टीप्लाई 104, 18.72 पैसा हो रहा है, ओके। तो 18.72। अभी दोस्तों इस तीनों को आप एक साथ कैलकुलेट करके 33.5.66.17.72,
121.72 जो हो रहा है इसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे, 170 कितना हुआ दोस्तों, 121 हुआ। हो गया दोस्तों, अभी इस टोटल कर लेंगे, ये दोनों को हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आ गया 323.72। अभी 323.72 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 18% जीएसटी जो आपको सरकार को पे करना है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देख लेते, 18 / 100 का भी आप मतलब कोई भी परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो तो ये ऐसे करना होता है, ठीक है। मान लीजिए 16% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 देंगे डिवाइड देंगे 100 से करेंगे, फिर इसके जो अमाउंट का आप निकालना चाहते हो फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई करके जो रहेगा वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 18% करेंगे दोस्तों, तो 18 / 100 इज इक्वल टू 323.72, 58.26 हो रहा है, ठीक है। तो अभी 58.26 प्लस 323, तो हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस बन रहा है दोस्तों 381.26। अभी इसको राउंड फिगर में डाल सकते हो, 382 डाल लिए। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता है जब भी आप कोई भी मार्केट प्लेस की वेबसाइट में सेल करने जा रहे हो। अगर आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे दोस्तों तो आपको लॉस होगा ही होगा। तो अब अच्छे से कैलकुलेट करिए सेलिंग प्राइस, और हर एक मार्केट प्लेस में ये अलग अलग होता है, रेफरल फ़ी अलग होता है या फिक्स क्लोजिंग फ़ी की जगह दूसरा कुछ लिखा हुआ होता है, और नेशनल शिपिंग कॉस्ट जो 66 है दूसरे मार्केट प्लेस का अलग होता है, फ्लिपकार्ट का अलग है। तो ये सब आपको स्ट्रक्चर सही मिलेगा, बस जो रेट है वो अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिए, और नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।